आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोकेमिस्ट्री। इससे पहले फोटोकेमिस्ट्री के एक बेसिक थीम मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझा चुका हूँ, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा कि ये लेक्चर काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन अब आपसे वादा है कि अब कंटिन्यू लेक्चर आएंगे, किसी तरह की कोई तकलीफ़ आपको नहीं होगी, ठीक है। कंटिन्यू चलेंगे बिल्कुल। तो BSc पार्ट थर्ड का टॉपिक है ये फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री सही है भाई, फोटोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? प्रकाश प्रकाश रसायन। ठीक है, देखो क्या होती है फोटोकेमिस्ट्री। ये उस दिन मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया तो उसमें बताया था कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आउट करने हैं अपने, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये पढ़नी कि फोटोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं फोटोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन फोटोकेमिस्ट्री भैया लिखनी होगी ना, अगर मान लो पूछ ले कि प्रकाश रसायन की परिभाषा लिखिए या प्रकाश रसायन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे फोटोकेमिस्ट्री के बारे में? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद फोटोकेमिकल रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिस्ट्री। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करती है उनके बारे में बताती है। क्या कहलाती है भैया? फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब और भी कई बातें इनमें, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन, इंट्रैक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करती है। तो फोटो देखो पॉइंट हम एक्स्ट्रा कई जोड़ सकते हैं, लेकिन जो एक सिंपल डेफिनेशन वो तो हमें आनी चाहिए। चलें देखो, ये हुई फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। फिर इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ? फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह है ना भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसको तो हिंदी में लिख देता हूं मैं, शुरुआत है ना अभी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ने फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब तो भैया फिर ये बताओ कि इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दैट रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा कह दूं मैं कि वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती है, क्या होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, कंप्लीट होती है, सही है। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं? द केमिस्ट्री विच डील्स विद द फोटोकेमिकल रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलें देखो इसको साफ कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब रहा? ख़त्म, हटाओ, बिल्कुल सारा मतलब एक एक पॉइंट पॉइंट क्लियर कर देंगे, एक एक लाइन लाइन समझा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। अब देखो इसका जो सिलेबस था उसका पहला पॉइंट क्या था? देखो पहला पॉइंट क्या था सिलेबस का? पहला पॉइंट था इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। चले इसको मैं लिखता हूं, पेन इधर रख देते हैं। हाँ विकिरण की पदार्थ के साथ अंतःक्रिया। हिंदी वालों के लिए, वैसे तो मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन अब
चलो जब पढ़ाए रहे तो फिर ढंग से पढ़ाते हैं, है ना। विकिरण की पदार्थ के साथ अंतःक्रिया यानी इंट्रेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, सही है भाई। क्या लिखेंगे? इंट्रेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब देखो आप इसको समझेंगे आगे, ये एक अच्छा टॉपिक है, यहीं से इस ब्रांच का जन्म होता है, इंट्रेक्शन से ही इस ब्रांच का जन्म होता है फोटोकेमिस्ट्री का। और भी दुनिया भर की कई चीज़ें हैं जो इंट्रेक्शन से होती है, तो उन सब के बारे में लगभग लगभग इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि कैसे मैटर और रेडिएशन एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं। पहले तो ये समझो कि रेडिएशन क्या होती है। बेसिकली तो आप ये समझिए कि रेडिएशन एक लाइट होती है, एक टाइप की लाइट होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वेवलेंथ होती है उसकी। चलें अब वो फिर पढ़ाएंगे एक्सरेज, यूवी, और जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है वगैरह जो आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले, वो सब पढ़ाएंगे ना। फिर देखो सीक्वेंस से चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले इस यूनिट को निपटाते हैं फिर उसके बाद की बातें करेंगे। अब ये इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, पहली बात तो है इंट्रैक्शन क्या होता है, दूसरी चीज़ है रेडिएशन क्या होती है और मैटर से कैसे इंट्रैक्ट करती है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि रेडिएशन तो लाइट होती है, क्या होती है भाई? लाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यही वाली लाइट होती है, लाइट होती है लेकिन, है ना, जिसकी एक वेवलेंथ होती है, जिसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। फिक्स वेवलेंथ, फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है मैटर। मैटर होता है भैया कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, द्रव्य हो सकता है। द्रव्य मतलब, द्रव्य का मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड। द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं होता, वो ये वो द्रव्य होता है, द्रव। इसको तो बोलते हैं लिक्विड, सही है भाई, इसको तो द्रव बोलते हैं। और ये है द्रव्य, इसको बोलते हैं मैटर, सही है भाई। क्या बोलते हैं इसको? मैटर। चलें अब देखो, रेडिएशन मतलब लाइट, मैटर मतलब सब्सटेंस, और इंट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के साथ होने वाला प्रोग्राम। देखो ये मेरा सबसे प्रिय पेन ये लिया मैंने। देखो अगर मैं एक ये पदार्थ ले लिया मैंने कोई, ठीक है, ये पदार्थ ले लिया मैंने, इस तरीके से देखो, आप देखना, आप ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर मैं एक लाइट डालता हूँ, क्या डालता हूँ, ये एक लाइट डाली मैंने, इस पदार्थ के ऊपर एक लाइट डाली, लाइट डाली मतलब ये इस तरीके से, सही है। यहाँ मेरे पास कोई सोर्स है लाइट का, जैसे अभी इस कमरे में सोर्स क्या है, किसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई है जिससे उजाला हो रहा है, तो इस कमरे में लाइट का सोर्स क्या है, एलईडी लाइट्स। ऐसे ही मेरे पास यहाँ कोई सोर्स है जो लाइट दे रहा है, ठीक है, दे दी इसने लाइट, और इसी लाइट को जो इससे निकलने वाली लाइट है, इसको मैंने किस पर इंसिडेंट किया, इस सब्सटेंस पर, सब्सटेंस, और इसको मैंने एक और नाम दिया मैटर, सही है भाई, दे दिया मैंने। अब ये इसकी जो सरफेस है उस पर आकर टकराती है, यहाँ पर टकराती है, कुछ लाइट जो होती है ना, कुछ लाइट इसमें से, कुछ लाइट तो ये यहाँ से, जैसे आई लाइट, ठीक है, हाँ, अब ये लाइट आई, इस लाइट का कुछ पार्ट, इस लाइट का कुछ पार्ट इस पर टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब आई थी, टकराई और पलट कर चली गई, ठीक है, टकरा कर चली गई। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सी लाइट है ये, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी है, इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट मतलब आपतित, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, आपतित, इस पर पड़ने वाली लाइट, सही है। और ये जो रिफ्लेक्टेड, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित, परावर्तित, क्या कहते हैं, परावर्तित, इस पर पड़ने के बाद पढ़कर चले जाने वाली लाइट। फिर कुछ लाइट इसके अंदर चली जाती है, उसको कहते हैं एब्जॉर्ब लाइट। कौन सी लाइट कहते हैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में, अवशोषित लाइट, अवशोषित प्रकाश लिख दूं मैं,
प्रकाश की जगह विकिरण लिखो आप, क्या लिखोगे? विकिरण, सही है। इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण, परावर्तित विकिरण, कुछ इसने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ इसमें से एब्जॉर्ब होने के बाद भी इधर बाहर निकल जाती है इस तरीके से, ठीक है, ये निकल गई बाहर, तो इसको मैं कहूँगा पारगमित लाइट। देखना ये डिफरेंस समझना, परावर्तित और पारगमित में, पारगमित, पारगमित विकिरण, सही है भाई। अब इस पारगमित विकिरण को और क्या कहते हैं, इसका जो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, क्या कहते हैं भाई इसको? ट्रांसमिटेड लाइट। देखो इसका कैप कहाँ है, ये रहा। हमने हेडिंग लगाया इंट्रेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, सब्सटेंस या मैटर रेडिएशन के साथ कैसे इंट्रैक्ट करता है, इस बारे में हमारा हेडिंग है। और हमारे सिलेबस की जो यूनिट है ये, उसका पहला ही टॉपिक यही है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मैंने आपको कहा कि रेडिएशन एक तरह की लाइट होती है, जिसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी एक वेवलेंथ होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है? भैया ऐसा है, मैं फर्स्ट ईयर भी पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर भी, फाइनल ईयर भी, मैं उसमें जो जो लेक्चर डालूंगा ना, वो फर्स्ट ईयर के कई लेक्चर ऐसे हैं जो बेसिक है, बेसिक मतलब वो फाइनल से सारा से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक अच्छी बात बता दूं आप लोगों को, मैंने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ना बीएससी वाली, ठीक है, इसके अलावा मैं सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जेम का भी पढ़ाता हूं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, बीएससी के साथ, मैं तो इसमें भी हाई कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसके साथ साथ अगर आपको आईआईटी जेम, जैसे आप में से कई लोगों को एमएससी करनी होगी, एमएससी आईआईटी से भी कर सकते हो आप, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, सही है, कई जगह से बहुत बढ़िया बढ़िया आईआईटी, आईआईटी रुड़की वगैरह, तो वहाँ से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पेपर देना होगा आईआईटी जेम का, और वो जेम का पेपर कब क्वालिफाई होगा, जब आपको आएगा, तो आप इनको तो पढ़ो ही सही। इसके अलावा साथ साथ आपको और क्या पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स खरीद लो बीएससी की, सही है। इसके अलावा अगर आप और अच्छी किताबें खरीदना चाहते हो तो मैं एक दिन आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें आप खरीद सकते हो ना, तो वो वाली बात है। फिर क्या होता है, मैंने उस चैनल पर नेट गेट का भी पढ़ाया है, जेम का भी पढ़ाया है, और एक और मैं चैनल अब सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर दूँ 11th 12th का, ताकि जो बच्चा मेरे पास पढ़ेगा ना उसको 11th 12th मिलेगी इसी चैनल, मतलब एक अलग चैनल पर। फिर उसके बाद उसको 11th 12th होने के बाद बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मेरी मिल जाएगी, यानी 11th 12th भी मेरे से, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मेरे से, उसके बाद उसको एमएससी भी मेरे से ही मिल जाएगी, और एमएससी मिलने के बाद नेट गेट तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो इसका मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है, अगर केमिस्ट्री आपको लर्न करनी है अच्छे से, तो आप मेरे साथ हर तरह से जुड़ सकते हो। चलें देखो, ये हो गया इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी द्रव्य की या विकिरण की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई लाइट इस पर डाली, ये सब्सटेंस है, सही है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जैसे ही लाइट डाली, लाइट डालने के बाद कुछ लाइट तो इसके अंदर चली गई तो वो एब्जॉर्ब हो गई, जो उसने अवशोषित कर ली, कुछ लाइट जो इसके बाहर चली गई वो ट्रांसमिटेड हो गई, यानी बाहर निकल गई, ठीक है। कुछ लाइट जो इससे टकरा कर रिफ्लेक्टेड हो गई, यानी परावर्तित हो गई, सही है। और हमने लाइट डाली थी उसका नाम क्या था, इंसिडेंट, जो परावर्तित हुई उसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड, जो एब्जॉर्ब हुई इसका नाम क्या है, आई एब्जॉर्ब, और जो ट्रांसमिटेड उसका, तो इनको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, देखो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इंसिडेंट लाइट को तो आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नोट मतलब आई जीरो लिख दो आप अगर नोट में, आई सही, आई जीरो से, ठीक है। एब्जॉर्ब लाइट को आई ए बी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एब्जॉर्ब, ठीक है ना, और ट्रांसमिटेड लाइट को आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है भाई, और रिफ्लेक्टेड लाइट को आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो मैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बारे में लिखो, तो आप क्या लिखेंगे कि विकिरण की किसी पदार्थ के साथ अंतःक्रिया निम्न प्रकार होती है, या द इंट्रेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद मैटर इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, सही है, या एज फॉलोज। फिर आगे लिखेंगे आप लोग कि वेन वी इंसिडेंट लाइट ऑन द सब्सटेंस, सम लाइट या सम रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, सम इज एब्जॉर्ब एंड सम इज ट्रांसमिटेड बाई दी
सब्सटेंस, सही है। और भी कई चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप बुक पढ़ोगे आपको कई और लाइन, अब मैं सारी बातें तो थोड़ी एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, इस पर एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन लिखवाने वाली बात है ना, जो भी बोलने वाली बात है, इनका वैसे ज़्यादा कोई औचित्य नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलें। ये हो गया, मिटा दूं मैं इसको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर साथ के साथ लिख लिया करो, ठीक है। देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें यही टॉपिक बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके भी सिलेबस में है ये, और उसके अलावा किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो किसी भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब लगाते हैं हम लोग, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग, लो देखो लैम्बर्ट लो, लैम्बर्ट लो, लैम्बर्ट्स लो, ठीक है, लैम्बर्ट्स लो। देखो अभी जो हमने ये देखा ना कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो भाई कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई हमें बताओ तो सही, हमें पता तो चले, और लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इंसिडेंट रेडिएशन में से कुछ कम हुआ होगा। जैसे मान लो आई नोट थी मेरे पास, आई नोट थी, मैंने आई नोट इंटेंसिटी की लाइट डाली थी, ठीक है, उसमें से कुछ तो क्या हो गई भैया, रिफ्लेक्टेड चली गई, कुछ हो गई एब्जॉर्ब, क्या हो गई एब्जॉर्ब, कुछ लाइट क्या हो गई भैया, कुछ तो क्या हो गई रिफ्लेक्टेड, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ क्या हो गई ट्रांसमिटेड, यानी ये ओवरऑल लाइट का, सही है। अब देखो तो हमें ये पता करना है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, यानी इसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ। भाई इंसिडेंट लाइट में क्या होगा, अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी जो बाहर ट्रांसमिटेड लाइट निकलेगी, उसकी इंटेंसिटी तो कम होगी, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी कम होगी, इस बात को समझाने के लिए एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट साहब हैं, लैम्बर्ट साहब, लैम्बर्ट साहब ने एक लॉ दिया, और उस लॉ का नाम क्या है, लैम्बर्ट लॉ। चलें देखो मैं मिटाता हूँ इसको, देखो ये देखो लैम्बर्ट्स लॉ। तो भैया लैम्बर्ट्स लॉ में क्या होता है, लैम्बर्ट साहब ने ये कहा कि मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है मेरे पास, अब इसको ऐसे ऐसे समझ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये सब्सटेंस हो गया हमारे पास, ठीक है, इस सब्सटेंस पर मैंने ये लाइट डाली आई नॉट इंटेंसिटी की, सही है, आई जीरो इंटेंसिटी, आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट डाल दी मैंने, हाँ, जब मैं इस पर आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट डालता हूँ तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है भाई साहब, कम होती है, क्योंकि कुछ को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी इंटेंसिटी में होने वाली कमी, उन्होंने कहा कि इसकी मोटाई के साथ, किसके साथ, इसकी मोटाई के साथ किसके समानुपाती होती है, इंसिडेंट रेडिएशन के, देखो कैसे, इधर देखो डी आई बाई डी एक्स और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब इंसिडेंट रेडिएशन में होने वाली कमी, इंसिडेंट रेडिएशन में होने वाली कमी डी आई बाई डी एक्स, इसकी मोटाई यानी इसमें दूरी जो तय करे इसकी मोटाई की क्या होती है, मोटाई के साथ, रेडिएशन की इंटेंसिटी में होने वाली कमी मोटाई के साथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो हम इस पर इंटेंसिटी डालते हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और कौन सी इंटेंसिटी आ रही है I, तो I इंटेंसिटी डी एक्स मोटाई के साथ कितनी डिक्रीमेंट होती है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंसिडेंट रेडिएशन के, सही है भाई, हाँ। अब इसको देखेंगे आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर इसके बाद एक और लॉ आएगा जिसका नाम रहेगा बीयर लॉ, क्या रहेगा, बीयर लॉ, फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बो,
और उसका नाम रहेगा बियर लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट बियर, हाँ बियर लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ। भाई साहब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, इधर देखिए, सबसे पहले लगाता हूं मैं लैम्बर्ट लॉ, ये लिखा मैंने लैम्बर्ट लॉ, ठीक है भाई। देखो लैम्बर्ट लॉ में मैंने आपको ये बताया कि ये कोई सब्सटेंस है, इस पर मैंने लाइट डाली, लाइट डाली, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, सही है भाई, कुछ लाइट का पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया, ठीक है। अब देखो तो हमने कहा कि इसमें होने वाली ये जो डिक्रीमेंट होता है ये इसकी मोटाई, सही है, मोटाई मतलब मोटाई पर निर्भर करता है। देखो माइनस डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है। अब इसका कथन यानी स्टेटमेंट क्या है बियर का, सही है, स्टेटमेंट देखो, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब भैया रुक जाओ कि साहब ये मोनोक्रोमेटिक का क्या संकट है। देखो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो इधर स्टार पॉइंट बनाकर लिखे, यहाँ पर, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो क्या कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को, देखिए ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की लाइट आती है उससे, जैसे मान लो 100 एंगस्ट्रम की आ रही तो बिल्कुल 100 की आएगी, ना 101 की ना 102 की, सही है। अगर 200 एंगस्ट्रम की आ रही है किसी सोर्स से लाइट तो फिर कितने एंगस्ट्रम की आएगी, 200 एंगस्ट्रम की। इसका मतलब ये कि अगर एक जैसी लाइट आती है, सही है, तो ऐसा सोर्स और उससे निकलने वाली लाइट, ऐसा सोर्स तो मोनोक्रोमेटर कहलाता है और उससे निकलने वाली लाइट क्या कहलाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बात समझ में आई, क्या कहलाती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाए तो सम पार्ट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ रेडिएशन क्या हो जाएगी उसमें से, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब मतलब ये अवशोषित कर लेगा, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिड्यूस्ड, क्या होगी, इंसिडेंट जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। द रिडक्शन या कंसिडरेबली रिडक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट, सही है भाई। इसकी इसकी जो इंटेंसिटी में जो कमी आ रही है ना, इसकी इंटेंसिटी में होने वाली कमी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो ये जो डी आई बाई डी डी एक्स है, डी आई बाई डी एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट रेडिएशन के, यानी आपने कितनी इंसिडेंट रेडिएशन डाली थी ये किस पर डिपेंड करता है, इस डिक्रीमेंट पर, ये डिक्रीमेंट किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशन पर। चलें हाँ, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, जब किसी पदार्थ पर मोनोक्रोमेटिक, को हिंदी में कहते हैं एकवर्णीय प्रकाश, क्या कहते हैं, जब किसी पदार्थ पर एकवर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो एकवर्णीय प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी, यानी डी आई बाई डी एक्स होने वाली कमी, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होने वाली कमी आपतित तीव्रता के
समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है भैया? आपतित तीव्रता के। बस ये बात आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे होता है, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में एक ही लाइन आप लोगों को याद करनी है कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो कम होती है ना, डी आई बाई डी एक्स का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ये जो डिक्रीमेंट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंसिडेंट रेडिएशन के। चले ऐसे तो ये इस पर भी डिपेंड करती है, लंबाई पे, पता नहीं क्या क्या पे डिपेंड करती, तो हम उसको भी देखेंगे। चले आगे देखो, अब मैं लैम्बर्ट बियर का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सॉरी लैम्बर्ट लॉ का एक्सप्रेशन, लैम्बर्ट लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय व्यंजक कहेंगे इसको। देखो कैसे लिखते हैं, डी आई बाई डी एक्स, सही है, माइनस मतलब क्या हो रहा है इसमें, कमी, यानी इंसिडेंट रेडिएशन में इस डी एक्स के साथ होने वाली कमी, डी एक्स के साथ होने वाली कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंसिडेंट रेडिएशन के। चले भाई देखो, अब देखो आप, अगर मैं ये लिखूं डी आई बाई डी एक्स माइनस, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट लगाते हैं। मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट मैंने के लगाया और ये हो गया आई, ठीक है भाई। के क्या होता है, पहले के बारे में लिखो, के इज एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट, एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट। चलें देखो, हाँ अब क्या करूँ मैं, रीअरेंज करते हैं इसको, ये आई है, आई वाली टर्म है, इधर भी आई वाली टर्म है, तो आई वाली टर्म को आई के साथ ले जाता हूँ। देखो कैसे, डी आई बाई आई, सही है, ये माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, ऐसे ला सकते हैं भैया, गणित में होता है ऐसा सब कुछ, है ना, ये माइनस इधर ले आए बायोलॉजी वालों के लिए, ये के, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा, ये डी एक्स। देखो मैंने dx को इधर ले लिया और i को उधर पटक दिया, ये माइनस जो इधर लग रहा था उसको मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब वो वाला दिमाग मत लगा ना कि माइनस इधर से जाता तो प्लस हो जाता, भाई ज़्यादा परेशान नहीं हो ना, अभी चलेंगे आगे, सब समझा दूंगा मैं। चलें हाँ देखो, एक टर्म माइनस की तो माइनस की है, चलें ये हो गया। अब देखो, अब इसका क्या कर दूँ मैं, इंटीग्रेशन, जैसे मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन वन, क्या नाम दिया मैंने इसको, इक्वेशन वन, ये मिटा दूं मैं, कि ये आप लिख लेना साथ के साथ कि डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वो जो आप डेफिनेशन मैंने पहले बोली थी ना वो लिख लेना, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द सबस्ट्रेट द वेव द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन, बस, या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये लिख लेना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब मोनोक्रोमेटिक, यानी मोनोक्रोमेटिक को कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश आपतित किया जाता है किसी सब्सटेंस पर, तो उसकी जो तीव्रता है उसमें कमी होती है आपतित विकिरण की तीव्रता, और आपतित विकिरण की तीव्रता में होने वाली कमी किसके आपतित इंटेंसिटी की तीव्रता के समानुपाती होती है, बस यही लिखना है आप लोगों को, ये मैं मिटा देता हूँ। चले ये लिख लेना आप, के बराबर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। चले अब देखो इधर, ये हो गया ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को क्या करने पर, इंटीग्रेट करने पर, ठीक है भाई, इक्वेशन वन को क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया, कैसे कर देंगे, डी आई, सही है, माइनस के डी एक्स, सही है। देखो इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन होता है भैया, ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन में क्या होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं, जैसे डी आई बाई आई, ये तो ऐसे कैसे, आई बराबर आई नॉट और आई बराबर आई, ठीक है। इधर देखो ये लिमिट्स कहते हैं इनको, और समझा देंगे आपको, इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा, लॉगरिदम भी पढ़ाऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिदम, मैक्सिमा, मिनिमा सब पढ़ाऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती चलेगी। चलें फिर ये माइनस के बाहर और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन,
एक्स बराबर ज़ीरो और एक्स बराबर एक्स। चले देखो एक्स बराबर ज़ीरो और एक्स बराबर एक्स। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, लिमिट रख दूँ। ये जो है ना डी आई बाई डी आई, डी आई बाई आई, भैया इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन आई। क्या होता है एल एन आई, देखो कैसे होता है। ये एल एन आई, इसको एल एन लिखो रहे, रुको रो रुको रुको, साफ करो इसको। इसको क्या कहते हैं एल, अरे इधर लिखो एल एन आई। एल एन आई बराबर क्या है, आई और आई नॉट, यही दे रखी है लिमिट, आई नॉट और आई, ठीक है। फिर इधर क्या दे रखा है, इधर माइनस का के बाहर, सही है। और डी एक्स, ये डी एक्स, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, डी एक्स का हो गया एक्स, क्या हो गया डी एक्स का, डी एक्स का हो गया माइनस के, डी एक्स का हो गया एक्स, और एक्स बराबर ज़ीरो भी दे रखा है और एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक एक्स, ठीक है। तो कैसे रखते हैं इसमें, ऐसे रखते हैं एल एन आई माइनस आई नॉट, अपर लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कैसे लिखेंगे इधर, आप चाहें तो इसको एल एन आई नॉट और आई लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इधर, देखो एल एन आई नॉट, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे माइनस के, अब एक्स बराबर ज़ीरो का मान तो ज़ीरो है, ठीक है, तो अपर लिमिट लिख दो आप, एक्स बराबर एक्स और एक्स बराबर ज़ीरो लिखोगे तो ज़ीरो, तो ये तो हट ही जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, के एक्स, ठीक है, ये बचा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। क्या है हमारे पास, एल एन आई माइनस एल एन, एल एन आई नॉट, ठीक है, बराबर माइनस का के एक्स, यही है। देखो एल एन आई माइनस आई नॉट को एल एन आई अपॉन आई नॉट लिख सकते हैं, ये गणित के नियम है, लॉगरिदम में चलते हैं, आप लोगों को बताए जाएंगे कि ये कैसे किया। डी आई बाई, जैसे अभी अपन ने किया था ना डी आई बाई आई का, तो इसको क्या लिख देते हैं अपन, एल एन आई। ये लॉग के नियम है, लॉग के फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन वही है ना कि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपसे ये भी थोड़ी कहूँगा कि आपको याद होने चाहिए, आपको याद ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया एल एन आई अपॉन आई नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सही है भाई। अब देखो अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, मैं ये कहूँ कि यहाँ से एल एन हटाना है, तो क्या बचेगा, यहाँ आई अपॉन आई नॉट बचेगा, और जैसे ही एल एन हटाते हैं इधर वाला जितना भी होता है ना सब पावर में चला जाता है, और किसकी पावर में, ई की पावर में, जैसे ई की पावर माइनस के एक्स, किस में चला गया ये, ई की पावर माइनस के एक्स। अगर आप चाहें तो एक स्टेप ये भी लिख लो, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, कैसे एल एन, चलो ये लिख लो आप, तो एल एन आई नॉट अपॉन आई, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, जैसे मैं एल एन हटाता हूँ तो ये किसकी पावर में चला जाता है, माइनस ई की पावर में, ई की पावर माइनस के एक्स हो गया। चले अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और आई, इस आई नॉट को इधर ले जाऊँ मैं, चलो ये इधर आ गया आई नॉट और ई की पावर माइनस का के एक्स, देखो ये आ गया, मिटा दूं मैं इसको। अब ये तो आपको आना चाहिए कि लॉग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या है बी सी पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना लॉग वगैरह की, लॉग रिदम है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, चाहे बायोलॉजी का, बायोलॉजी मैं खुद ही बायोलॉजी से हूँ, लेकिन ठीक है मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए भैया थोड़ी बहुत, जितनी भी आनी आती है नहीं आती आप सीख लें उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बियर लैम्बर्ट लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इलाबरेट करता हूँ, देखो कैसे करेंगे। इधर देखो अभी मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि आई एब्जॉर्ब, आई एब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है, आई नॉट, आई नॉट जानते हो आप जो इंसिडेंट करते हैं, उसमें से क्या घटा दूं मैं, आई ट्रांसमिटेड। देखो आई नॉट रेडिएशन थी मेरे पास जो मैंने डाली, उसमें से कौन सी निकलती है,
आईटी, तो बाकी जो बच जाती है उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना, आई एब्जॉर्ब बराबर आई नॉट माइनस आईटी, ठीक है। तो आईटी को मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, मान लो इसको मैंने इक्वेशन नाम दो दिया है, इक्वेशन टू, इसको मैं दे देता हूँ थ्री, ठीक है। अगर इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन थ्री में आई की वैल्यू पुट, सॉरी हाँ, इक्वेशन थ्री में इक्वेशन टू से आई की वैल्यू पुट कर दें, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, देखो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन थ्री, ठीक है। कैसे, आई एब्जॉर्ब, आई ए बी एस बराबर आई नॉट, इस आई की जगह देखो और आई वहाँ से रखो, माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, यही है भाई। देखो अब मैं इसको क्या लिखूँ, आई एब्जॉर्ब बराबर आई और आई नॉट कॉमन ले लूँ, या आई नॉट कॉमन आ गया, माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस का के एक्स, ठीक है भाई। ये देखो इसको मैं और ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा इज्जत वाला मामला रहेगा, आई एब्जॉर्ब बराबर आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है भाई। ये देखो ये है बियर लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन है ये, लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आप लोगों को याद होना चाहिए। चलें अब देखो लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसके बाद एक और लॉ आता है जिसका नाम क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ। कौन सा लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ, पहले बियर का भी आता है, पर बियर का क्या है उसको थीम तो इसी से सेट हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना, आप जब बुक लेके आएंगे ना तो उसमें आपको बिल्कुल जैसा मैंने करवाया है बिल्कुल वैसा के वैसा ही, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो सकती है, मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो नियम आ रहा भाई साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है कि बीएससी वाले एग्ज़ाम में अगर ये नहीं पूछ रहा ना तो ऐसा लगता है पेपर अधूरा रह गया थोड़ा सा मतलब ये पूछना कैसे भूल सकता है वो, ठीक है। देखो चला दूं मैं, देखो अब देखो मैं लगा रहा हूँ बियर लैम्बर्ट लॉ, कौन सा लॉ है, बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। देखते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ को, देखो लैम्बर्ट ने तो क्या कहा था कि माइनस डी आई बाई एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसा कहा बियर साहब, ये तो लैम्बर्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। और बियर ने ये कहा कि डी आई बाई डी एक्स जो होता है ना माइनस में, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के, क्यों, क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन पर अप्लाई किया था लैम्बर्ट लॉ को, किस पर, या बियर लॉ को किस पर, सॉल्यूशन पर, और सॉल्यूशन पर किस पे, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, किस पर, सी बोले तो कंसंट्रेशन, ठीक है। इधर ये किस पर, इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा था। अब चलें, अब जब इन दोनों लोगों को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, देखो कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको पता है इधर देखो इसमें भी माइनस डी आई बाई डी एक्स है, ये माइनस डी आई बाई डी एक्स, ठीक है, एक साइड हो गया ना माइनस डी आई बाई डी एक्स। अगर मैं प्रोपोर्शनल लगाकर एक तो आई लिख दूँ और एक कंसंट्रेशन सी लिख दूँ, तो भाई ये किसका नियम है, ये बियर का भी है और लैम्बर्ट का भी है। इस लॉ को क्या कहते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ, इन कंबाइंड फॉर्म में क्या है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ, और यही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। चलें मैं इसको मिटाता हूँ और इसको ढंग से लिखवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो इसी से लगा लेता हूँ, क्या दिक्कत, बियर लैम्बर्ट लॉ,
ठीक है, बी एल लैम्बर्ट लो, आप देखो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या डेफिनेशन होती है, कुछ नहीं होता। डेफिनेशन ये है कि वेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, सही है भाई, द इंटेंसिटी या द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, कुछ रेडिएशन क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। वेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट या पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन, द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई द सॉल्यूशन, ठीक है। द इंटेंसिटी इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, द रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इंसिडेंट या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, हिंदी में ऐसे कहेंगे कि जब किसी विलयन पर एकवर्णीय प्रकाश विकिरण आपतित की जाती है तो विलयन कुछ आपतित विकिरण अवशोषित कर लेता है, ठीक है भैया, अवशोषित कर लिया उसने। अवशोषित करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं तो वो इंटेंसिटी कम होती है, और किस वजह से कम होती है, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ मतलब विलयन की सांद्रता और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी मैं ये कह दूं कि जब किसी विलयन पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एकवर्णीय प्रकाश विकिरण आपतित की जाती है तो उसकी जो विकिरण की इंटेंसिटी में कमी आती है अब्जॉर्प्शन की वजह से यानी अवशोषण की वजह से, वह विलयन की सांद्रता तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। अब देखो इसको मैथ्स में कैसे कहते हैं, मैथ्स में इसी बात को जो मैंने बोली है ना, इस बात को मैथ्स में डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली इन्हें समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी, चले भाई, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, मान लो ये इक्वेशन वन हो गई मेरी, यानी ये इसको मैं वन लिख देता हूँ, ठीक है, ये बी एल लैम्बर्ट लॉ है। चले अब देखो आप आगे, इसको मैं कैसे आई को इधर ले जाता था मैं, ये डी आई, आई इधर आता है, हाँ इधर आ गया भैया। प्रोपोर्शनलिटी हटाने से पहले यहाँ क्या लगाते हैं, हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, मैं इस बार कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ, के लगा दिया मैंने, ठीक है, के नहीं लगाता हूँ तो मैं कुछ और लगा देता हूँ, यानी आप के लगा दो, के लगा दो, के डैश लगा दो, क्योंकि के उसमें लगा चुके हैं तो यहाँ के डैश लगा दो, या फिर आप एल्फा लिख दो, आपकी मर्जी हो जो लिखो, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ के डैश लिख दिया, ठीक है। अब देखो के डैश लगाया, यहाँ सी है ही सी, ये आई उधर चला गया और ये डी एक्स इधर आ गया, ये डी एक्स इधर, ऐसा कह दूँ मैं कि यहाँ से मैंने डी एक्स को इधर भेज दिया, माइनस को इधर भेज दिया, ये माइनस को इधर भेज दिया, और यहाँ से ये जो आई था ना मेरे पास, इसको मैंने इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, चलें। देखो ये हो गया मेरे पास, अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, डी आई बाई आई, ये माइनस के कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से क्या होता है भैया, बाहर हो जाता, हो गया इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है, ये ब्रेक, ये इंटीग्रेशन का साइन, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये भी बाहर हो जाएगी, और किसका होगा इंटीग्रेशन, डी एक्स का। चले आगे देखो, अब मैं आपसे कह रहा था कि ये होता है आई नॉट इंटेंसिटी, और यहाँ क्या दिया हमने, आई, सही है, लिमिट्स लगाते हैं इसे, ये एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर एक्स, ठीक है, यानी वेरिएबल जो होती है ना वो लगा दी, ठीक है, इसको मिटाओ, मिटाओ इसको, मिटाओ ये लगा दी। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, मैं इसको उधर ले आता हूँ, डी आई बाई आई को मैंने लिखना सिखाया था अभी आपको, डी आई बाई आई को क्या लिखते हैं, अरे एल एन आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल एन आई लिख दोगे आप, एल एन आई ब्रेकेट आई बराबर
आई नॉट और आई बराबर आई, सही है भाई। इधर क्या है माइनस के डैश सी, सही है। और फिर क्या है, सॉरी हाँ, अब एक्स का डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, ये हो गया एक्स, ठीक है। एक्स बराबर ज़ीरो और एक्स बराबर एक्स, दो लिख दिए है ना। हाँ अब देखो कैसे रखते हैं, एल एन आई, आई की जगह अपर लिमिट, आई बराबर क्या है आई, तो मैंने आई लिख दिया, ठीक है। माइनस आई बराबर क्या है यहाँ, आई नॉट, तो एल एन आई नॉट ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बराबर माइनस के डैश सी, एक्स बराबर यहाँ क्या है एक्स, तो एक्स बराबर मैंने लिखा एक्स, और एक्स बराबर क्या है माइनस का ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो का तो कोई मतलब रहा नहीं, यानी इसको तो निपटा दो ऐसे कैसे, ये लो, ठीक है। एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट, इस तरीके से कैसे लिखते हैं, अगर मान लो एल एन आई और एल एन आई नॉट आ जाए, तो आप इसको एल एन आई अपॉन आई नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, एल एन आई अपॉन आई नॉट, ये लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग का फॉर्मूला होता है एक, जिससे ऐसा हो जाता है। चले अब देखो, बराबर माइनस के डैश सी और ये एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलो मैं इसको मिटाता हूँ इधर। हाँ अब देखिए आप क्या देखेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, एल एन की, देखो क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को उल्टा करूँ तो ये माइनस गायब हो जाएगा, यानी माइनस हटाने के लिए क्या करूँ मैं इसको, एल एन आई नोट को तो ऊपर ले जाऊँ, ये आई नोट और ये आई, इधर से माइनस गायब, क्या बचा यहाँ के डैश सी एक्स, ठीक है। अगर मैं एल एन को लॉग में कन्वर्ट करूँ, किस में, लॉग में, जैसे लॉग आई नोट अपॉन आई कर दिया मैंने कन्वर्ट, एल एन को किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का क्या देना पड़ता है भाग, ये दे दिया मैंने 2.303, सही है भाई। इधर तो क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, और इधर भेज जाते इसको क्या हो गया, ये डिवाइड में, ठीक है, 2.303, ये सी एक्स, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो के डैश है ना, के डैश डिवाइडेड बाई 2.303, इसको हम एक नाम देते हैं एप्साइलन, क्या देते हैं एप्साइलन, और इसी एप्साइलन को कहीं कहीं आपको एल्फा भी मिल जाएगा, या के डैश की जगह भी अल्फा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नोटेशन अलग अलग चीज़ है, आपकी मर्जी हो वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या मिल सकता है एल्फा, लेकिन अभी क्या लिया हमने एप्साइलन, ठीक है। तो मैं इधर का उतार लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो अब देखिए इधर देखो क्या हो गया हमारे पास, log i नॉट अपॉन i इज इक्वल टू क्या हो गया, k डैश अपॉन 2.303 की जगह तो मैं लिख दूँ एप्साइलन, ये लिख दिया मैंने एप्साइलन, फिर c c और x, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ठीक है, क्या बता दूँ मैं आप लोगों को, अगर मैं ये कहूँ log i नॉट अपॉन i की वैल्यू a होती है, क्या होता है, अच्छा ये इनके बारे में लिखो, इसको कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर विलोपन गुणांक कहते हैं इसको, सही है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। देखो ये हो गया, ठीक है, लो चूंकि लॉग आई नॉट अपॉन आई क्या होता है, ए के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, ठीक है। अब देखो आप, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, लॉग आई नॉट अपॉन आई की जगह ए लिख दूँ, ये मैंने ए लिख दिया, और इधर क्या बचा, ई सी एक्स, ये बचा मेरे पास भैया, यही क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ, कौन सा लॉ है ये, बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं एक्स की जगह एक्स बराबर बी मान लूँ, या x बराबर l मान लो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a बराबर e c b, या सही है, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है a बराबर epsilon e c l, ठीक है, जो आपने माना हो उस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें
अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं लिख दूं, ये बियर लैम्बर्ट लॉ का क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये तो छोटी मोटी बातें हैं ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और देखो जिसमें ग्राफ पूछ लिया जाए कभी कभी, दिखेगा ही नहीं शायद, देता ये दिख जाएगा। देखो अगर मान लो कभी आपसे ग्राफ पूछ ले किसके, ए और कंसंट्रेशन के बीच में, यानी एब्जर्बेंस, ए को क्या कहते हैं भैया, ये देखो ए को क्या कहते हैं, इधर एब्जर्बेंस, एब्जर्बेंस सही है, ए को एब्जर्बेंस कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है उसको क्या कहते हैं, ये एप्साइलन आ जाता है, और एप्साइलन क्या है, मोलर एक्सट्रैक्शन कॉफिशियंट, सही है, एब्जर्बिविटी। चलो ये तो बात हुई बियर लैम्बर्ट लॉ की, ये मैंने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करवा दिया आप लोगों को। और भी कई बातें हैं इसके मामले में, और भी कई बातें हैं इसकी बियर लैम्बर्ट लॉ की, तो वो अब भी हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं आपसे इसी आशा करता हूँ कि आपको ये बियर लैम्बर्ट लॉ वाला थोड़ा सा क्लियर होगा। वैसे तो फोटो में इसका बहुत कम एप्लीकेशन है, लेकिन ये दे रखा तो मैंने फिर इसको ढंग से पढ़ा दिया, ठीक है। और ये पूछा जाता भैया हर बार बियर लैम्बर्ट लॉ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना बियर लैम्बर्ट लॉ का, है ना, इसको कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, और फिर अगले लेक्चर में हम थर्मल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस उनको डिस्कस करेंगे, और भी कई चीज़ें। फिर दो लॉ हैं, एक तो ग्रेथस ड्रॉपर नियम, एक स्टार्क आइंस्टीन लॉ, दोनों में से भाई साहब एक क्वेश्चन तो 110% आता है। फिर एक क्वांटम यील्ड, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वो करेंगे। और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, चले।